एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। माता कोतवाली में सुंदर भाटी का समाजवादी जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष बनने पर लोगों ने उनका स्वागत किया। छाता तहसील के गांव बड़ा में सुंदर भाटी समाजवादी जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष बनने पर गांव के लोगों ने उनका साफा बांध एवं माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत करने में रमेश बिधुड़ी, मोहर सिंह शर्मा, रविंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव, देवेश यादव, अशोक यादव, पंकज कुमार, मानवेंद्र आदि गाँव वासियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इसी दौरान समाजवादी जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुंदर भाटी ने कहा कि मैं जन जन की आवाज़ को सरकार द्वारा पहुंचाने का काम करूंगा और जनता के हित में हमेशा काम करूंगा। जो केवल वोट लेने के बहाने हमारे नेता जो झूठे वादे करते थे वह बाद में उन्हीं वादों को भूल जाते हैं, लेकिन मैं एक किसान का बेटा हूं और सभी किसान भाइयों की आवाज़ को बुलंद करूंगा और उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं हमेशा किसान भाइयों और आम जनता के लिए 24 घंटे सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा। क्या नाम है जी आपका? सुंदर सिंह भाटी जी। कौन सी पार्टी से? समाजवादी जनता पार्टी। समाजवादी जनता पार्टी जी। जनता के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जनता के बारे में ये कहना चाहता हूँ, किसान भाई जो है हमारे, जो बहुत लोगों का काम बहुत अधूरा पड़ा है, बहुत परेशान है, उनके बारे में मैं अपनी तरफ से मदद करूँगा जी। किस चीज़ की मदद करोगे? सरकार जो भी समस्या हमारे किसान भाइयों, बहुत ऐसे लोग हैं जो विकलांग हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उनकी उनको मदद दूंगा, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाऊंगा। गरीब है, गरीब लोग हैं बहुत ऐसे, उनकी सरकार से अपील भी करूंगा, जितना होगा उतना क्या जाएगा मित्र। ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।